हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कंसेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आज से हम इस सेशन पूरा स्टार्ट करने वाले हैं, जो हर दिन आपको एक वीडियो, छोटा सा वीडियो मिलेगा, जो कि इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगा। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गुड सोर्स फॉर विटामिन ए, विटामिन ए का गुड सोर्स कौन सा। ये डाइट जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन रहेंगे, तो आप बिल्कुल अच्छे से याद करिएगा, साथ में पूरा एक्स्ट्रा नॉलेज भी इसके अंदर आप ले लीजिएगा। अंतिम तक वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, उसको देखिए, विटामिन ए के लिए गुड सोर्स क्या है। तो सबसे आंसर इसमें क्या होगा, आंसर होगा कैरट। कैरट जो होता है उस विटामिन ए के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपके शरीर में, आपके बॉडी में विटामिन ए का कमी है, तो आप को कैरेट का मात्रा बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे सबसे पहला पॉइंट देख लीजिए, विटामिन ए जो मेनली कैरेट से, मीट से, फिश से और डेयरी प्रोडक्ट से मिलते हैं। मैक्सिमम बात किया जाए तो कैरेट से हो, मीट वगैरह जो होते हैं, फिश वगैरह होते हैं, वो चीज़ आपको खाना चाहिए डेयरी प्रोडक्ट में। जैसे कि आपको मिल्क प्रोडक्ट में जितना भी चीज़ आते हैं, बटर होते हैं, मिल्क होते हैं, डायरेक्टली आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रो विटामिन ए इज़ अ फाउंड इन प्लांट बेस्ड फूड। जितने भी प्लांट बेस्ड फूड होता है, उसमें एक टाइप ऑफ, एक कॉमन टाइप ऑफ विटामिन होता है, जो कि मेनली उसको हम लोग प्रो विटामिन ए के नाम से जानते हैं, जो कि एक बीटा क्रोटोटेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विटामिन ए, जो कि हम लोग को हेल्प करता है बॉडी में, क्या क्या हेल्प करता है। मेनली तित्त को मजबूत रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, स्केलेटन को, सॉफ्ट टिश्यू को, म्यूकस मेम्ब्रेन को, स्किन को हेल्दी रखने के लिए। और एक एक बात और याद रखिएगा, विटामिन ए को जो केमिकल नेम है, उसको हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, केमिकल नेम। ऐसे ही आपको सभी कुछ, सभी विटामिन का आपको ऐसा ही में आपको केमिकल नेम याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन ए का दो फॉर्म होता है, याद रखिएगा, रेटिनॉल, रेटिनॉल आपको याद रखना है, RETINOL, रेटिनॉल। साथ में उसको हम लोग एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए भी बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उसमें देखिए, कैरोटेनॉइड, कैरोटेनॉइड जो कि डाई वगैरह में काम आता है, ठीक है, उसको डार्क कलर डाई भी बोलते हैं। ठीक है, ये था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, विटामिन ए से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं इसमें आपको मिल चुका होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। ठीक है, मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।